My name is Fatima. I am working with the Citizens Archive of Pakistan. I was here for your last session as well. And our participants will introduce themselves. जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर. सर मेरा नाम जकी है और मेरा ताल्लुक जो है वो थिएटर से मेरा ताल्लुक है तकरीबन 8-9 साल से. और सबसे ख़ास बात आपके साथ जो एफिलिएशन है वो वाहिद प्ले था जो मैंने सबसे पहले आपका प्ले देखा और जो मेरी लिस्ट में सबसे नंबर वन है आज तक के लिए वो है आपका प्ले बुल्ला. थैंक यू. वो सर मैंने देखा था 2008 में आर्ट्स काउंसिल कराची में. वो देख के मुझे पता चला. आज तक मैंने बहुत सारे प्लेस देख लिए हैं और हम करते भी रहते हैं यहाँ पे कराची में, मगर वो प्ले जो है वो सर हमारे लिए आज तक के लिए एक जहन में नकूच छोड़ गया वो इस हवाले से. वेरी नाइस टू नो जी. हमारे तो पैसे पूरे हो गए. अस्सलाम वालेकुम सर. मेरा नाम मोहम्मद आमिर है. मेरा ताल्लुक भी थिएटर से है और लिखने पढ़ने का भी शौकीन हूँ. कुछ रेडियो पाकिस्तान में एक शो किया करता था बज़्म तलबा, उसके लिए लिखा भी करता था. अब नैपा में आ गया हूँ, अब प्रॉपर थिएटर कर रहा हूँ. आपके प्लेस देखे हैं, पढ़े हैं. परी पढ़ा, पहला प्ले परी पढ़ा था, बहुत अच्छा लगा. रोजन जिंदा देखा फैज अहमद साहब पर जो आपने लिखा, अच्छा लगा. आज आपसे रूबरू बात हो रही है तो अच्छा लग रहा है. माय प्लेजर. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम आसिया आदम है और मैं नैपा ही की ग्रेजुएट हूँ थिएटर में. मैंने जैसे रेडियो प्रोग्राम्स भी किए हुए हैं और जाहिर है नैपा के हवाले से जो थिएटर के प्रोग्राम्स होते हैं वो तो होते हैं. आपके प्ले बड़ी पड़ा था और देखने में सितारा देखा था मैंने यहाँ पर. किस जुबान में पढ़ा था बड़ी आपने? बड़ी उर्दू में. तो मतलब उसमें थोड़ा सा पंजाबी वर्ड्स आ रहे हैं उर्दू स्क्रिप्ट में. उसका एक इंग्लिश ट्रांसलेशन अवेलेबल है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस वालों की कलेक्शन में है. तो बहुत सारे लोग मिलते हैं जिन्होंने वो इंग्लिश में पढ़ा होता है तो विच ऑब्वियसली लूजेज हाफ ऑफ द कल्चरल सॉर्ट ऑफ एम्बियंस एंड सेंसिबिलिटी. बहरहाल चलो, वेल डन जो आपने पढ़ा है उसको उर्दू पंजाबी में. तो क्या कर रहे हैं आप? सर हम काम यहाँ पर कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर. मैं लास्ट आपका प्ले जो आप नैपा के आए थे फेस्टिवल में, आप जो फेस्टिवल था नैपा में इंटरनेशनल फेस्टिवल थिएटर, तो लास्ट टाइम आपका बहुत बड़ी प्ले देखा था. अच्छा जी. जी मैं सर ये चाहता हूँ आपसे कि कुछ ऐसे प्लेस जो पहले आप सर कर चुके हैं और बहुत साल पहले का जो है सर आपका भी जारी बताया एक वसी तजुर्बा है, 30-35 साल का तजुर्बा सर आप लोगों का. कुछ ऐसे प्लेस जो आपके बहुत ही हिट प्लेस हैं जो आप चाहते हैं कि बार बार का, तो वो मैं चाहता हूँ कि सर आज के जो यूथ है, जो आज के लोग हैं जिन्होंने आपके प्लेस नॉर्मली नहीं देखे हैं, आप उस प्ले को रिवैम्प करें. कास्ट जारी बात है, आप थोड़ी बहुत जारी बात है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई होंगी. तो हम चाहते हैं सर जो आपके बेस्ट प्लेस आप समझते हैं जो, तो कोई एक फेस्टिवल टाइप का सर अगर ऐसी कुछ चीज़ हो जाए कि 3 या 5 प्लेस हों इस तरह आप कराची में आर्ट्स काउंसिल या नैपा के साथ कुछ एफिलिएशन करके, तो वो प्लेस अगर आप सर करें तो ये कि सर बहुत से लोगों की चीज़ें जो है ना वो और बेहतर पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें नॉर्मली हो रही हैं. आपके बारे में बहुत से लोगों को पता है मगर वो लोग प्ले देखना चाहते हैं, वीडियोस नॉर्मली मिलती नहीं है उनकी और वीडियोज़ में आपको पता है जो प्लेस है वो रिकॉर्डेड होता है तो वो देखने में बिल्कुल वो आर्काइव के लिए नॉर्मली होता है. देखने के हवाले से हम उसको नहीं कह सकते कि उससे मज़ा ले सकें. तो सर मैं ये चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें तो हमने अच्छी खासी आपकी देखी नहीं है मगर और तो यूथ है जो जनरेशन है दूसरे लोग देखना चाहते हैं ताकि वो सर आपके प्लेस देखें और अवेयरनेस प्लेस आपके माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं उस पर मैं चाहता हूँ कि सर इस तरह कुछ काम आप लोग सर करें अगर हो सके तो. देखिए जी, उसमें पहली बात तो ये कि
someone has to invite us and make logistical arrangements, जो भी local arrangements होती हैं, तो वो हमारे पास तो limited resources होते हैं. कभी हों तो हम आ जाते हैं खुद ब खुद, लेकिन normally नहीं होते. और वो अगर होते हैं तो हम उनको नए place को develop करने में और कुछ मतलब और अपनी growth के लिए काम करते हैं. तो ये नापा वाले साल के साल बुलाते हैं और उसमें भी फिर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि जी 10 लोग हों या 12 लोग हों, और फिर आप एक परफॉर्मेंस वो करवाते हैं. तो वो बड़ा एक अनसेटिस्फैक्ट्री सा अरेंजमेंट है, क्योंकि हमारे प्लेस जो हैं वो यूजुअली उनकी कास्ट बड़ी होती है, क्योंकि हमारे पास तो हमारा जो एसेट है वो हमारी कास्ट है, द ह्यूमन रिसोर्स. तो हमारे पास बाकी रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, कोई लाइटिंग का, सेट का, कोई स्टेज का, लेकिन लोग हमारे पास एंथुजियास्टिक पीपल हु वांट टू बी ए पार्ट ऑफ ए प्रोडक्शन, वो तो होते हैं. हम कई दफ़ा 10 से शुरू करते हैं और 20-25 आराम से ही हो जाते हैं. कोई ना कोई कहीं से घुस आता है साइड से कि जी मैं तो बस यहाँ खड़ा हो जाऊँगा, या वो डबल रोल हो रहा है तो उसकी जगह मैं कर लूँगा. फिर आहिस्ता आहिस्ता वो प्रोवर्बियल ऊँट की तरह अपनी जगह बनाते जाते हैं. तो अचानक हम देखते हैं तो वो 10 से 25 हुए होते हैं. उसकी मैं आपको एक थोड़ी सी ज़रा एक कॉर्नी मिसाल दूँगा कि ये खालिद हसन हमारे बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट थे, और उन्होंने नूर जहाँ पे एक इंटरव्यू किया और कुछ मंटो की ट्रांसलेशंस की. तो नूर जहाँ से उनका बड़ा एक आइकॉनिक इंटरव्यू है, तो उसमें वो कहते हैं, मैंने उनसे पूछा कि अच्छा मैडम ज़रा सच सच बताएं कि आपके कितने अफेयर्स हुए थे. अब नूर जहाँ मशहूर हैं कि उनके जो माशकों की तादाद उंगलियों में नहीं गिनी जा सकती, और ये एक उनकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा था. तो और वो इस बारे में कोई वो नेक परवीन टाइप भी उनका रवैया नहीं था कि वो इसको छुपाती फिरे. तो वो कहती है अच्छा चल मैं तुझे बताती हूँ. तो अच्छा एक तो फलां था, एक का नाम लिया. उसके बाद फिर वो वहाँ था, 3-4 तो उनकी शादियाँ भी थी. तो उसके बाद फिर कुछ और जिक्र हुआ, फिर उन्होंने कहा हाँ वो भी था. तो फिर कहते हैं उससे खालिद किन्ने होए. खालिद कहता है कि जी कोई 15 हो गए ने. तो कहती है अरे नाना करते भी 15 हो गए हैं. तो हमारे एक्टर्स भी वो नाना करते भी जो है ना 10 से वो 20 हो जाते हैं. तो अब किसी और जगह ट्रेवल करें तो फिर ऑब्वियसली उसमें प्रॉब्लम होता है, उसकी ट्रांसपोर्ट का, उसकी अकोमोडेशन का. और मेरा ख्याल है कि नापा वाले भी इस मामले में ज़रा सेंसिटिव नहीं है कि वो किसी दूसरे मुल्क से फॉरेन एक्सचेंज में ख़र्चा करा के और उनकी एयर टिकट और अकोमोडेशन के लिए तो कर लेंगे, और वो उनके चौखटे पे लग जाएगा जी जर्मनी का प्ले और फ्रांस का प्ले. लेकिन एक मेजर ग्रुप जो है कराची से बाहर कह लें, अगर कराची में कोई एक आध ग्रुप रेगुलरली काम कर रहा है इतने बड़े अरसे से, तो उसको बुलाते हुए इतनी उस पर रिस्ट्रिक्शन रखना जो है वो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. और फिर आप बुलाते हैं तो बस अब पिछली दफ़ा हम आए थे, एक परफॉर्मेंस करके हमें उन्होंने कहा कि ठीक है जी अब अगले रोज़ आप जाएं. और उस परफॉर्मेंस पे भी कोई उनका काबिल ज़िक्र कोई नापा का कोई शख्सियत वहाँ मौजूद नहीं थी. मतलब खुद जो आर्टिस्टिक डायरेक्टर साहब है जैन साहब, हालांकि बचपन में वो अजोका में प्ले भी कर चुके हैं और खेलते भी रहे हैं अजोका की रिहर्सल्स के दौरान जब उनकी वालदा कुछ हमारे साथ करती थी काम, ही वॉज नॉट देयर. फैकल्टी में से एक बंदा नहीं था, हालांकि अच्छा भला वो जानते भी हैं, ताल्लुक़ भी है. तो ये जो एक इनसेंसिटिविटी है या एरोगेंस है, या शायद उनकी कोई और ज़्यादा अहम मसरूफियात है, कुछ फेस्टिवल से ज़्यादा जो नापा का एक आप कह लें कि सिग्नेचर इवेंट है, उससे ज़्यादा क्या चीज़ अहम हो सकती है.
آئی ایم شیور کہ اگر جرمنی سے کوئی پلے آیا ہوگا تو اس میں تو ضرور ٹائی اور کوٹ پہن کے ان میں سے کوئی نہ کوئی جو ناپا کے بڑے ہیں ان میں سے آیا ہوگا. بہرحال دیٹ ڈزنٹ میک اے ڈفرنس فار اس. ہم چاہتے تھے کہ ہم کراچی جائیں تو کراچی کی آڈینس تک کسی طرح پہنچ سکے. اب وہ چھوٹا اس کا ہال ہے, اس میں زیادہ میرا خیال ہے انہوں نے کوئی اس کو پبلسائز بھی نہیں کیا ہوا تھا اور کیپیسٹی بھی اس کی لمیٹیڈ ہے. سو وہ آپ اتنا, اب ہماری میجورٹی جو ہے وہ آئی اس پہ ٹرین پہ. آپ سوچیں کہ 20-22 گھنٹے کا سفر ایک طرف, 20-22 گھنٹے کا دوسری طرف. رستے میں ٹرین میں اتنے مچھر تھے کہ ایک ہماری بیچاری لڑکی بیمار ہو گئی. تو اتنی ایفرٹ کر کے کوئی آ رہا ہے, نہ آپ ان کو کوئی پیمنٹ دے رہے ہیں, تو کچھ تھوڑا سا کٹسی دے دیں, تھوڑا سا ان کو اپرچونیٹیز دے دیں ٹو ریچ آؤٹ ٹو دا آڈینس. کوئی اور کچھ نہیں تو پوسٹ پرفارمنس ڈسکشن ہی کرا لیں. انہوں نے پرفارمنس کرائی, اس کے بعد بند کیا اور وہ اپنے اپنے گھر چلے گئے اور ہم جو ہے وہ ہوٹل میں, ایک بیکار سا ہوٹل تھا, وہاں چلے گئے. سو بہرحال یہ ایک سر کلچر منسٹری کے ساتھ بھی آپ نارملی سر کام کر سکتے ہیں. کلچر منسٹری ہے یا اب تو سر نئی گورنمنٹ آ گئی ہے اس حوالے سے, تو ان کے ساتھ بھی سر کوئی نہ کوئی پلان. میں آپ کو بتاتا ہوں, کلچر منسٹری سے بھی ہوئی تھی بات اس سلسلے میں. ہم اپنا پلے پہلے لا رہے تھے چیئرنگ کراس, وہ ایک پولیٹیکلی بھی بڑا ایک ریلیونٹ پلے تھا, ہماری پولیٹیکل ہسٹری کے بارے میں تھا, اس کی ذرا کاسٹ بھی بڑی تھی. تو ہم نے کہا سندھ منسٹری والوں سے کہ یہ پلے ہے جو آپ کے جو حکومت ہے اس کی سوچ سے بھی مطابقت رکھتا ہے, کیونکہ وہ اتفاقاً شروع ہوتا تھا ایک ہسٹوریکلی وہ بھٹو صاحب کی حکومت میں آنے سے اور اینڈ ہوتا تھا بے نظیر کی شہادت. تو انہوں نے کہا ہاں بہت اچھا ہے, ساری ان کے جو پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ایک سے بات ہوئی, انہوں نے دوسرے سے ملوایا, تیسرے سے ملوایا, فائنلی انہوں نے ہمیں حوالے کر دیا ایک بیوروکریٹ کے, کوئی ڈائریکٹر جنرل آرکائیوز یا اس طرح کا کوئی تھا. اور انہوں نے بھی جو گھمانا شروع کیا اور آخر پہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے فائنانس ڈپارٹمنٹ والوں نے کہا, ہم نے کہا تھا آپ ایکسٹرا شو کراچی میں کرا لیں اور ایک دو سندھ کے لوگوں کا باقی شہروں میں بھی کوئی حق ہے کہ ان تک بھی یہ میسج پہنچے. انہوں نے کہا جی ہمارے فائنانس ڈپارٹمنٹ والوں نے کہا ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا قانون کے مطابق. تو وہ بھی رہ گیا بیچ میں. اب ہم تھیٹر کے لوگ ہیں, ہم جا کے کوئی ان کے پیچھے ان کے دفتروں کے باہر تو نہیں جمع ہوں گے. سو وہ بھی دیٹ واز ویری انفارچونیٹ. لیکن جہاں کہیں موقع ملتا ہے, آرٹس کاؤنسل والے ہیں جو احمد شاہ صاحب اور ان کے جو سارے دوست ہیں, وہ بھی بہت انتھوزیاسٹک ہوتے ہیں. ایک دو دفعہ ہم نے ارینج کیا, ہی واز ویری ہیلپ فل. جب ہمارے پاس ریسورسز تھے یا آکسفورڈ یونیورسٹی پریس والوں نے کچھ ہیلپ کیا یا کسی اور انسٹیٹیوشن نے, تو ہم آئے اور دو تین پلیز وہاں ہم نے کیے اپنے آرٹس کاؤنسل میں, بڑا ڈیسنٹ آڈیٹوریم ہے ان کا اور وہ ان کی موبلائزیشن کیپیسٹی بھی زیادہ ہے. تو لیکن اس دفعہ وہ بھی نکل گئے, حالانکہ ہم نے یہ جب بری لے کے آئے ہیں, بری واز دا سیکنڈ چوائس کیونکہ یہ چھوٹی کاسٹ تھی اور تیار تھا. ادروائز ہم چیئرنگ کراس لانا چاہتے تھے, لیکن چیئرنگ کراس کے لیے وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ 12 لوگ لائیں, اب کوئی 24 لوگوں کے کاسٹ کو اب ہم کاٹ کے 12 میں تو نہیں کر سکتے, تھیٹر میں تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو دس از ویری انفارچونیٹ. لیکن اگر کبھی ہمیں کوئی لوکل آرگنائزیشن سپورٹ کرے, اور ہم ظاہر ہے وی آر ناٹ اے کمرشل مائنڈیڈ آرگنائزیشن, ہمارا بیسک خرچہ جو ہوتا ہے وہ اگر ہو جائے تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ پلیز کو کوئی جو پرانے پلیز ہیں ان کو ری ویمپ کیا جائے یا ان کو اپ ڈیٹ کیا جائے, تو یہ نارملی تھیٹر میں ہوتا نہیں. تھیٹر از ناٹ لائک ریسرچ رپورٹ اور این آرٹیکل وچ کین بی اپ ڈیٹڈ اکارڈنگ ٹو دا چینجز وچ ہیو ٹیکن پلیس. تھیٹر از سپوز ٹو بی دیئر فار آل دا ٹائمز. کوئی بھی اچھے پلیز آپ دیکھ لیں, اس میں اس کا ایک ہسٹوریکل کانٹیکس ضرور ہوتا ہے, خاص ٹائم میں فریم میں ہوتا ہے, کوئی کلچرل کانٹیکس بھی ہوتا ہے, لیکن وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مثلا یہ بری جو ہے,
ये मैंने लिखा था 1986 में, तो बिल्कुल और दौर था, ज़ियाउल हक का दौर था और हुकूमत का माइंडसेट भी और था, लेकिन आज भी हम करते हैं तो वो आप रेलेवेंस उसकी देख सकते हैं, क्योंकि मेन इशू उसमें है इमेंसिपेशन ऑफ विमेन या जेंडर का इशू, और जो एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की जो वैल्यूज़ हैं, चाहे वो रिलीजियस हों चाहे वो फ्यूडल हों। उसके बाद ये प्ले अब पिछले 2-3 साल में वहाँ काफ़ी हो रहा है इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन अमेरिका में, तो अभी मैं इसके एक प्रीमियर था इनका, इन्होंने किया था न्यूयॉर्क में, वहाँ पर मैं उसके ओपनिंग पे गया, तो वहाँ पर ज़्यादातर ऑडियंस जो थी वो नॉन साउथ एशियन थी, कोई लैटिन अमेरिका के लोग थे, कोई यूरोपियन, कोई अमेरिकन देसी लाइक वाइट अमेरिकन, और उनके साथ जो डिस्कशन हुई बाद में परफॉर्मेंस के बाद, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल, ऑल्दो इट इज़ वेरी स्पेसिफिकली रूटेड इन पाकिस्तानी इस्लामिक और इस्लामाइजेशन रिडन सोसाइटी, लेकिन वी कुड वेरी मच रिलेट टू इट, क्योंकि किसी ना किसी शक्ल में ये इश्यूज जो हैं ये हमें लैटिन अमेरिका में भी मिलते हैं, अफ्रीका में भी मिलते हैं, अमेरिका में भी मिलते हैं, जो एक रवैया है फीमेल जेंडर की तरफ या सोसाइटी के जो आउटलुक है उसमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं, तो इस लिहाज से हमारा तो ये ख्याल है कि उसमें कोई ज़्यादा तब्दीली की ज़रूरत नहीं होती, आप उसको प्लेस कर दें। मसलन मेरा जो द वेरी फर्स्ट प्ले विच आई एवर रोट, उसका नाम है मरा हुआ कुत्ता, ये मैंने लिखा था 1971 में, 71 में, और वो 71 की बड़ी पॉलिटिकल सिचुएशन थी, जो प्री भुट्टो सिचुएशन थी, ये तो अभी यहिया खान का ज़माना था, अयूब खान के बाद यहिया खान का, तो अभी सारा वो भुट्टो का भी नहीं आया था दौर, और ज़ियाउल हक का दौर तो दूर की बात थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसे इश्यूज थे जो एक सोसाइटी की जो एक है दिस डिज़ायर टू इग्नोर द स्टार्क रियलिटी राइटिंग ऑन द वॉल, और आपने जो सोशल इश्यूज हैं आपकी सोसाइटी के उनको हम इग्नोर कर रहे हैं और मंडेन चीज़ों में आपस में हम लड़ते बिगड़ते झगड़ते रहते हैं, तो वो अब आप 71 से हिसाब लगा लें कोई 45-50 साल हो गए होंगे, अभी भी हम वो प्ले करते हैं, अभी हमारी क्लासेस होती हैं, ये स्टूडेंट्स का हम एक्टिंग का कोर्स कराते हैं, तो एंड के ऊपर वो एक प्रोडक्शन करते हैं, अभी उन्होंने किया है कोई 1-1.5 महीना पहले, और उसी तरह किया है बग़ैर उसमें चेंज किए, और पीपल कुड इजीली रिलेट टू इट, क्योंकि उसकी कहानी है कि एक कुत्ता गली के बीचों बीच पड़ा है चौराहे पे, और सुबह लोग उठते हैं तो उन्हें लाश नज़र आती है कुत्ते की, और अब सारा प्ले है इट इज़ अबाउट दैट डॉग और रादर नॉट अबाउट दैट डॉग, कि वो उसको इग्नोर करके अवॉइड करके कोई अपने मोहल्ले के कोई पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाता है, कोई उसके पीछे कोई अजाब इलाही की बशारत देखने लगता है, कोई कुछ अपने जो गली के रोमांसेस हैं उसमें इन्वॉल्व होता है, तो वो जो लाश वहीं पड़ी रहती है और ये जो है वो यही बस ऑन एंड ऑफ कहते हैं कि कोई इसको हटाता क्यों नहीं, तो वो अब 45-50 साल बाद भी कुत्ता तो पड़ा है वहीं पर और रवैये भी वही हैं, तो उसका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा बदला भी हो तो लोग बहुत इजीली उसके साथ रिलेट कर लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको छोटी मोटी ट्वीकिंग अगर करनी पड़े तो वो हम कर भी लेते हैं, मसलन इसमें फिर हमने कहीं पर कोई ज़ुबान या बड़ा स्पेसिफिक रेफरेंस हो तो वो हम थोड़ा बहुत कर देते हैं, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग जो प्ले जो है वो शुड बी देयर फॉर ऑल टाइम्स, चाहे वो 500 साल पहले की कोई कहानी हो या बिल्कुल नई कहानी हो। अच्छा दूसरा सर, ये जो आपकी वेबसाइट पे भी हमने देखा कि बहुत सारे जारी बातें आपकी प्लेज हैं, अच्छे खासे प्लेज हैं, तो कभी हमें भी कभी परफॉर्म करना चाहिए, स्टूडेंट से परफॉर्म करना होता है, तो
उसका हम इस पे आपसे पूछ कर कभी भी कॉन्सेंट फॉर्म के थ्रू किसी भी जगह, तो वो किस तरह से हासिल किया जा सकता है अजोका थिएटर से या उसके एकेडमी से, किस तरह सर उसका तरीकेकार उसका सर क्या है? और आपको बताया भी जाए ईमेल करके कि हम ये परफॉर्म यहाँ पर कर रहे हैं अवेयरनेस के हवाले से कर रहे हैं, क्योंकि आपको ज्यादा जो छोटे प्लेस हैं वो सोशल अवेयरनेस वन एक्ट प्लेस है नॉर्मली, वो सोशल अवेयरनेस बेस्ड प्लेस है नॉर्मली आपके, उसमें कास्ट भी सारी बातें लिमिटेड है, इतनी बड़ी कास्ट नहीं है। तो अगर वो कभी स्टूडेंट्स ने कर रहा हो कभी अपने आप को एम्पावर करने के लिए, क्योंकि वो रिलेटेबल होते हैं सोसाइटी से, तो वो सर आपकी कॉन्सेंट के थ्रू किस तरह वो फिर हम काम कर सकते हैं स्टूडेंट्स नॉर्मली कमर्शियली नहीं नॉर्मली किस तरह काम कर सकते हैं? इसका इसके दो तरीके हैं, एक तो पाकिस्तानी तरीका है और एक मुनासिब तरीका है। पाकिस्तानी तरीका तो है कि आप मत पूछें, कर डालें। तो मुनासिब तरीका ये है कि आप अगर पूछ ले तो हम ना उसका कोई ख़र्चा पानी मांगते हैं, बल्कि कुछ आपको मशवरा दे सकते हैं, कोई आपको कोई क्वेश्चंस हो उनका जवाब दे सकते हैं, तो वो आपकी प्रोडक्शन के लिए मुफीद है। हालांकि हमारी जो इसकी जो पब्लिकेशन पे लिखा भी होता है कि विल बी वेरी हैप्पी इफ पीपल परफॉर्म दीज प्लेज, आपको पूरी इजाज़त है। अभी ये जो बरी हम लेके आए तो पता नहीं आपके इलम में है कि नहीं, तो बरी जब हमने कहा कि चेयरिंग क्रॉक्स की जगह हम बरी लाना चाह रहे हैं, तो जो आर्टिस्टिक डायरेक्टर साहब का मैसेज आया कि एनी प्ले बट बरी, हमने कहा कि ये इनको क्या कोई बचपन का कोई ट्रोमा है, क्योंकि इन्होंने तो देखा हुआ है प्ले और इनकी वालदा ने उसमें रोल भी किया हुआ है समीना अहमद ने। तो बड़े हम थोड़े से अपसेट भी हुए कि ये क्या बात हुई कि एनी प्ले बट बरी। थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि दिस प्ले हैड ऑलरेडी बीन इन द प्रोग्राम, इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम, और कोई लोकल ग्रुप इसको परफॉर्म कर रहा था और हमारे फरिश्तों को भी खबर नहीं थी। तो अब हालांकि ऑल इट टुक वाज के आप एक कॉल कर दें, ईमेल पे मैसेज दे दें, ना प्ले करने वाले जो भी शायद एक्स नापा थे, मुझे नाम शायद याद नहीं, कासिम या कोई थे, तो वो उसको वो जो आपका बेसमेंट में है वहाँ पर शायद कर रहे थे जो वीकेंड्स पे वहाँ फेस्टिवल के दौरान प्ले थे, उसके डायरेक्टर अकील। तो हमने कहा कि चले अव्वल तो अकील साहब को भी पता होना चाहिए, थिएटर से मुतालिक हैं और नापा से ताल्लुक रखते हैं, कि एक डिसेंसी का तकाजा है, कानूनी तकाजा को छोड़ भी दे, कि आप बता दें कि हम ये प्ले कर रहे हैं, तो इस सिलसिले में हमें कोई बल्कि एडवाइस भी ले ले, कुछ थोड़ा सा पूछ ही ले कि जी ये इस कैरेक्टर का क्या कॉन्टेक्स्ट है, ये किस पीरियड में लिखा गया था या कोई और ऐसी बात। तो कम से कम नापा के लोगों को तो पता है, यू आर रनिंग मेजर इंस्टीट्यूशन, के राइटर की कंसेंट हमेशा फेस्टिवल में प्ले जब कोई होता है तो राइटर की कंसेंट लाजमी होती है। दुनिया में जहाँ कहीं वो फेस्टिवल होता है, इंडिया में हम करते हैं या हमें वहाँ से कभी कोई और हमारा प्ले करता है, तो सबसे पहला काम उनका होता है कि राइटर की कंसेंट बाकायदा वो लेते हैं, तो वो भी नहीं उन्होंने किया। तो अच्छा हमने कहा चलें अब ये कर लिया आपने, फिर उसके बाद उनका फ़ोन आ गया, चलो हमारे यहाँ ज़रा इस तरह की फॉर्मेलिटीज़ को लोग बॉदर नहीं करते। फिर हमने कहा एटलीस्ट हमारा प्ले पहले हो जाने दें, फिर ये प्ले करें, क्योंकि अच्छा नहीं लगता हम इतनी दूर से एक प्ले लेके आ रहे हैं और लोग कहेंगे कि ये तो हम देखा हुआ है हमने, अब उनको तो नहीं पता कि प्रोडक्शन में क्या फ़र्क पड़ता है। तो वहाँ गए तो प्ले हो चुका हुआ था, तो ये एक तरीका है। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि वेबसाइट पे भी हमारी डिटेल्स हैं प्लेज की, फिर उसकी अक्सर प्लेज एक पब्लिश फॉर्म में भी हैं, और अगर आप हमें कॉन्टेक्ट करें कि जी ये प्ले हम करना चाह रहे हैं और उसके बारे में आपके कोई क्वेश्चंस हो या कोई एडवाइस हो, तो हमें बड़ी खुशी होगी। बस ये है कि उसमें आप कोई ऐसी एक्सट्रेनियस चीज़ ना डाल दें जिससे उस प्ले का मकसद फौत हो जाए, क्योंकि वो उन्होंने कुछ कहा था फिर पता नहीं किया कि नहीं, कि उसमें बस हम थोड़ी बहुत कोई चीज़ उसमें ऐड कर रहे हैं। तो अगर आप कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं या कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिससे उसका जो ओवरऑल इम्पेक्ट वो मुतासर होता है, उसमें फिर वी वुड वांट टू डिस्कस दैट विद यू कि ऐसे ना करें। अगर ऐसा सच करना है तो ज़रूर करें, अगर कोई छोटी मोटी एडजस्टमेंट्स करनी है तो वो भी हमें बता दें, ज़रूर करें। अच्छा सर ये बताएं कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपकी तरफ से कौन है जिससे नॉर्मली सिलसिले में ईमेल पर बात की जा सके,
کیونکہ وہ ایک جنرک ایک ای میل ہوتی ہے تو اس کو زیادہ کنسیڈر نہیں کیا جاتا. تو ہوتا ہے بھائی یہ صاحب ہیں یا یہ خاتون ہیں, ان کو آپ ہمارے یہاں پہ اس نمبر پر یا اس جگہ پر یہ کال کر لیں, ان سے آپ ڈسکس کر لیں تاکہ وہ ایک اچھے طریقے سے اس کی بنیاد رکھی جائے, تاکہ ہم جب وہ کریں تو اس کو جو اینڈ کریڈٹس ہیں اینڈ کریڈٹس میں ظاہر ہوتا ہے آپ کا نام لازمی آنا چاہیے. کہ اسکرپٹ ہم نے تو خود نہیں بنایا, اس کا تو تمام سر کاوش آپ کی ہے, ہم تو اس کی پروڈکشن کو دیکھ رہے ہیں. تو وہ سر کون ہے؟ اس لیے آپ تو ماشاء اللہ اتنے بزی رہتے ہیں, آپ سے تو کانٹیکٹ بالکل نہیں کیا جا سکتا, تو ایسا کوئی چیز کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں. آج کل اب واٹس ایپ اور ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے اطلاع تو کم از کم مل جاتی ہے, لیکن ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں سہیل وڑائچ, ان کو آپ اجوکا کے ای میل پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور بجوکا کے ای میل پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. بجوکا میں مزاحیہ طور پہ نہیں کہہ رہا, بلکہ انہوں نے اپنا جو ای میل ہے وہ انہوں نے یوزر نیم ہی بجوکا رکھا ہوا ہے, bajoka@gmail.com. تو اجوکا بجوکا پہ آپ کانٹیکٹ کر لیں تو ہیل بھی ہیلپ فل. باقی ہمارا جو آفس ہے اس میں مسٹر کمل ہوتے ہیں, تو ہی از دا آفس کوآرڈینیٹر, ہی کین آلویز پاس آن دا میسیجز. وہ اس کے سبسٹنس پہ وہ بات اس طرح نہیں کر سکتے, لیکن آپ کے کوئی بھی کوئری ہو اس میں ہی کین آلویز ہیلپ یو. اچھا جی, سوری آپ کی آواز. جی سر, جیسے آپ نے بتایا کہ ابھی وہاں آپ کے یہاں بھی کلاسز آپ لوگ کنڈکٹ کرتے, اور مطلب پھر وہ اس کے بعد ظاہر جو بچے ایگزامینیشنز وغیرہ دیتے, پلے آپ کا پرفارم ہوتا ہے مطلب یوزول. اچھا ظاہر یہی ہمارا بھی مطلب ہوتا ہے یہاں پر نیپا پہ بھی, کہ کلاسز آپ کی ہوئی پھر اس کے بعد آپ نے جب پلے پرفارم کیا, تو آپ لوگوں کا ہم لوگ کا تو مطلب کوارٹرلی ہوتا ہے, آپ کا یہ کتنے ٹائم پیریڈ کا ہوتا ہے؟ اور سیکنڈلی مجھے پوچھنا تھا کہ کچھ ایسا مطلب ہو سکتا ہے کہ کبھی ہم بھی چاہیں کہ وہاں آ کے کچھ کلاسز لیں, اور بے شک وہاں اجوکا والے آ کے یہاں کچھ کلاسز لیں, مطلب یو نو جیسے کلچرل جو ایکسچینجز لوگ ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں اس ٹائپ کا. اس میں یہ ہے کہ یہ ہمارا اتنا الیبریٹ سسٹم تو نہیں جیسے ناپا کا ہے, کیونکہ وی آر اسمال انسٹیٹیوشن. یہ ہماری ہوتی ہیں 3 مہینے کا کورس ہوتا ہے اس کا ایکٹنگ کا, اور ویکینڈ کا کورس ہوتا ہے فرائیڈے سیٹرڈے 3 آورز ایچ سیشن, اور ہمارا زیادہ پریکٹس بیسڈ ہوتا ہے, اس میں تھیوری کا کام کم ہوتا ہے. تو وی ہیو ڈیولپڈ اے سسٹم آف سم تھیوریٹیکل فریم ورک اینڈ دین ورک شاپس, کوئی اس میں امپرووائزیشنز ہوتی ہیں, کچھ اس میں کوئی گیمز ہوتی ہیں, اور اس کے علاوہ کوئی لیکچرز ہوتے ہیں وتھ گیسٹ لیکچرز فرام پیپل ہو آر ایکسپیرئنسڈ ان پرٹیکولر فیلڈ. بعض دفعہ کوئی فورن ایکٹر ہے اس کے ساتھ اسکائپ پہ کانورسیشن ہوتی ہے, یا اف دے آر وزٹنگ تو دے کم اوور ٹو آر کلاس آلسو. اور پھر اس کا جو آخری مہینہ ہوتا ہے جو زیادہ کافی انٹینسو ہوتا ہے, وہ ہوتی ہے ورکنگ آن اے پروڈکشن جو آج کل وہ کر رہے ہیں. ہمارا ایک پلے ہے جھلی کتھے جاوے, تو اس کے اوپر وہ آج کل اسٹوڈنٹس کام کر رہے ہیں. اور جو ایکچوئل ہمارے لیے بھی بعض دفعہ سرپرائزنگ ہوتا ہے, جو ان کا جو بھی ٹیلنٹ ہے جو نکلتا ہے وہ ان دس پروڈکشن پروسیس نکلتا ہے. باقی ٹھیک ہے, امپرووائزیشنز کے ذریعے اور کچھ گیمز کے ذریعے بھی کچھ چیزیں ان کے سمجھ میں بھی آتی ہیں, اور آپ کو بھی نظر آتا ہے کہ ان میں کیا ٹیلنٹ ہے. لیکن جو پروڈکشن پروسیس میں جب وہ پڑھتے ہیں, چاہے اس میں پروڈکشن کا کام ہو, چاہے پرفارمنس ہو, چاہے میوزک ہو, کوئی اور پریپریشن اس کی ہو, تو وہ پھر ان دیز دس لاسٹ منتھ اور آخری دنوں میں تو ڈیلی ان کی ریہرسلز ہوتی ہیں, جیسے آج کل ہو رہی ہیں 4 جولائی کو ان کی پرفارمنس ہے, تو اس کے بعد پھر دے دین پاس آؤٹ. لیکن پھر یہ ہے کہ ان میں سے جو لوگ اویلیبل ہیں اور دوز ور کین ٹو فالو, تو ان کو پھر ہم وی ریمین ان ٹچ ود دیم, ان کو ایسوشیٹ ممبرشپ دیتے ہیں, اور پھر کوئی اور کوئی اسائنمنٹ ہو, کوئی پروڈکشن ہو, شاید ہم کچھ شارٹ فلمز بھی بنائیں یا تھیٹر کی
प्रोडक्शन है या ड्रामेटिक रीडिंग्स होती हैं हमारे प्लेस की, तो उसमें फिर उनको हम एंगेज रखते हैं और उनमें से कुछ लोग जो हैं वो फिर आहिस्ता आहिस्ता दे डेवलप और दे बिकम आर रेगुलर मेंबर्स एंड क्वाइट सॉर्ट ऑफ क्रिएटिव। फिर हमारा एक राइटिंग की क्लास है, वो भी स्क्रिप्ट ओरिएंटेड है, राइटिंग फॉर थिएटर और फॉर टेलीविजन और फिल्म, तो उसका भी 3 महीने का कोर्स होता है, वो वंस वीक होता है। और उसके एंड पे भी नॉर्मली कोई असाइनमेंट आखिरी कोई जो अबाउट हाफ ऑफ द कोर्स मिडवे वी आस्क देम टू स्टार्ट वर्किंग ऑन स्क्रिप्ट, और वो फिर उसके ड्राफ्ट्स बनते हैं, डिस्कस होते हैं, उसको फिर हम इम्प्रूव करते हैं। तो अभी जो हमारा कोर्स था जो अब ख़त्म हो रहा है, उसमें से 4 प्लेज निकल आए हैं जो अभी पॉलिश्ड एंड फिनिश फॉर्म में नहीं भी हैं, फिर भी दे आर प्लेज विच कैन बी कंसिडर्ड फॉर फर्दर डिवेलपमेंट। और अभी जो 4 जुलाई को हमारी हो रही है ये आप कह लें कंक्लूडिंग सेरेमनी, उसमें उनमें से 2 प्लेज की रीडिंग भी होगी और 1 परफॉर्मेंस एक्टिंग वालों की होगी। तो ये जो रीडिंग है इसमें हमने जो प्रीवियस स्टूडेंट्स थे, जो एक्स स्टूडेंट्स थे, उनको भी इनवाइट किया टू कम एंड वर्क ऑन द ड्रामेटिक रीडिंग्स। तो ये हमारा प्रोसेस है। म्यूज़िक के ऊपर भी हमने शुरू किया है और फिर डांस के ऊपर भी एक है आर्ट ऑफ डांस एंड आर्ट ऑफ म्यूज़िक, उसके ऊपर भी हम डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि लाहौर में तो कोई ऐसा और इंस्टीट्यूशन अनफॉर्चुनेटली नहीं है, तो इवन नापा जैसा भी नहीं है, और जाहिर है कि कराची लोगों के लिए आना जाना तो बड़ा कम होता है। आप में से कोई लोग अगर कभी आना चाहें तो वो तो फिर ये तो चूंकि स्प्रेड ओवर 3 मंथ्स होता है, तो अगर आप ऐसा टाइम अफोर्ड कर सकते हैं तो मोस्ट वेलकम। अदरवाइज़ स्काइप के ऊपर कोई चीज़ें ऑर्गेनाइज करना चाहें दैट इज़ आल्सो पॉसिबल, और अगर आप किसी को इनवाइट करना चाहें हमारे ट्रेनर्स को कराची तो दैट इज़ आल्सो एन ऑप्शन। इस पर अगर कोई ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं या ग्रुप्स हैं यंग लोगों के ख़ास तौर पे जो राइटिंग में या एक्टिंग में इंटरेस्टेड है तो वी विल बी वेरी हैप्पी टू कंसिडर दैट। अगर सर ये बताएं कि क्या अजोबा सर कोई फेस्टिवल कुछ ईयरली नॉर्मली करवाता है थिएटर फेस्टिवल टाइप का जिसमें आप सिटी से लोगों को बुलाते हैं तो यूथ बेस्ड परफॉर्मेंस हो ताकि जो भी नए नए लोग आ रहे हैं ताकि उन मिलकर कोई कोलैबोरेट करके कोई काम कर सकें या अपनी इंडिविजुअल एंटिटी में अपनी आके लाके परफॉर्मेंसेस दे सकें, तो ऐसा सर कुछ है प्लान आपका सर या होता रहता है सर आपकी तरफ से? ये हम मतलब अय्याश नवाबों की तरह जब जेब में पैसा होता है तो खूब लुटाते हैं और जब नहीं होता तो फिर गुजारा करते हैं। सो हमने जब भी हमारे पास कोई रिसोर्सेज हों तो फेस्टिवल करते हैं, और रीजनल फेस्टिवल भी हम करते थे, इंडिया पाकिस्तान का एक थिएटर फॉर पीस फेस्टिवल या हमसाया फेस्टिवल के नाम से, और वो हमने कोई 4-5 फेस्टिवल इंडिया में किए, कोई 2-3 फेस्टिवल पाकिस्तान में किए, फिर बाजवा नेशनल लेवल पे भी करते हैं। तो लेकिन जो यूथ फेस्टिवल है स्टूडेंट्स के लिए वो तो ऑन एंड ऑफ हम करते रहते हैं। अभी हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक छोटा फेस्टिवल कर रहे हैं शॉर्ट प्लेस का, लेकिन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज फिर वो स्टूडेंट्स तो आ जाते हैं अपने अपने इंस्टीट्यूशन से, उनको कुछ सपोर्ट मिल जाती है, ट्रांसपोर्ट मिल जाती है, रिहर्सल का फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, तो लेकिन आउट ऑफ लाहौर करने के लिए अनलेस दे हैव सम रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन, कभी कभी आते हैं कराची से तहरीक निस्वा वालों को हम कुछ दफ़ा बुला चुके हैं, फिर एक और है शायद स्टूडियो थिएटर एक और ग्रुप है जो 2 दफ़ा आए हैं, लेकिन वो फिर अगर हमारे पास कोई लिमिटेड बजट हो तो हम शेयर कर लेते हैं, वरना फिर यह है कि हम लोकल फैसिलिटीज़ दे देते हैं जैसे हॉल है और लाइटिंग है, कॉस्ट्यूम है या स्टेज की रिक्वायरमेंट्स हैं,
लेकिन जो ट्रेवल और अकोमोडेशन है उसके ऊपर फिर हमारा जरा इट ऑल डिपेंड्स। सर आपका सर ऑडिटोरियम सर कितनी कैपेसिटी है सर उसमें नॉर्मली? नहीं हमारा अपना तो कोई ऑडिटोरियम नहीं है, हमारा तो एक स्पेस है जो हम रीडिंग के लिए रिहर्सल के लिए हम करते हैं। नॉर्मली हम करते हैं इधर अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में, वहाँ पर तीन उनके हॉल हैं, एक छोटा है वो तो दैट इज़ नॉट मेंट फॉर थिएटर, कोई 150-200 लोगों का, लेकिन वेरी स्मॉल स्टेज। लेकिन जो मीडियम साइज उनका है वो कोई 450 की कैपेसिटी है, विच इज़ गुड इनफ हॉल। फिर एक बड़ा है वो इट्स रादर टू बिग, लेकिन अगर हमारी कोई बड़ी प्रोडक्शन हो तो वो फिर हम वहाँ करते हैं, उस वो कोई 750-800 तक चले जाती है कैपेसिटी। ये हॉल मौजूद है, फिर एक कदाफी स्टेडियम जो क्रिकेट स्टेडियम है उसके साथ एक अलमरा का एक कॉम्प्लेक्स है, वहाँ भी उनका एक कोई 250 की कैपेसिटी का एक डिसेंट हॉल है वो है। फिर एक है पंजाबी कल्चरल कॉम्प्लेक्स, बिलाक उसको कहते हैं, वो है तो छोटा और उसका स्टेज भी लिमिटेड है, लेकिन चूंकि वो हमें इजीली मिल जाता है तो ये जैसे कोई स्टूडेंट्स की कोई प्रोडक्शन हो तो वो हम वहाँ करते हैं, उसमें कोई 150-100 लोग आते हैं। ओके आपकी आवाज सही नहीं आ रही। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे नेपा के स्टूडेंट्स हैं और अजोका के स्टूडेंट्स, हम लोग मिलकर कभी कोई कंबाइंड कोई प्ले नहीं कर सकते अगर करना चाहें? क्योंकि जैसे मैंने इस तरह से देखा है कि यहाँ फेस्टिवल पे जैसे कोई फलस्तीन के आए हैं तो उन्होंने मतलब हमारे साथ मिलकर किया है, मतलब नेपा के स्टूडेंट्स को ना, मैं ये तो नहीं कह रही कि बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, ज़ाहिर है वो लोग मेजर कैरेक्टर्स वो लेते हैं ताकि फिर ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, बट ऐसा कुछ अगर प्रोजेक्ट बनाए मिलकर। हाँ आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, और उसका ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने अपने तौर पे इस तरह का प्ले डिज़ाइन करें कि जितनी इंटरेक्शन थ्रू इंटरनेट और थ्रू टेलीफोन थ्रू स्काइप हो सकती है वो करें, और अपने अपनी जगह पे रिहर्स भी कर लें जितना हो सकता है, और उसके बाद फिर लाहौर या कराची में कोई आप दो तीन हफ्ते के लिए मिल लें, दो हफ्ते रिहर्स कर लें और एक हफ्ता परफॉर्मेंसेस कर लें, और फिर दैट परफॉर्मेंस कैन मूव टू अनदर सिटी। सो आई थिंक दैट्स ए गुड आइडिया। मसलन हमने एक दफ़ा बच्चों का एक प्ले किया था बॉर्डर, उसमें वो तो ज़रा छोटे बच्चे थे, मे बी कोई 12-16 साल तक के, तो उसमें एक ग्रुप था अमृतसर से, वहाँ का एक स्कूल था स्प्रिंग डेल स्कूल, और एक हमारे अजोका चिल्ड्रन थिएटर था। तो इन्होंने अपने अपने तौर पे, इनके स्क्रिप्ट फ़र्क हैं लेकिन ज़ुबान वही है, पंजाबी में या हिंदी में भी करें तो बोलने में तो समझ लेते हैं लेकिन लिखी हुई नहीं पढ़ सकते, तो वो फिर एक स्क्रिप्ट हमने डेवलप किया और वो फिर उन्होंने अपने तो उसको रिकॉर्ड करके, बल्कि रोमन में मैंने लिख के भेजा, तो रोमन से उन्होंने अपने गुरमुखी में और देवनागरी में कर लिया, हमने अपनी ज़ुबान में कर लिया उर्दू पंजाबी में, और फिर इन्होंने अपने अपने तौर पे रिहर्सल्स की और फिर जमा हुए लाहौर में, जमा हुए यहाँ पर एक आध हफ्ता वर्कशॉप की, रिहर्सल्स की, फिर उसका प्रीमियर किया, फिर उसको इंडिया भी ले जाके टूर किया, इट वर्क वेरी वेल। तो अगर हमारे यहाँ तो ज़ुबान का भी इस तरह का मसला नहीं, वीज़ों का भी मसला नहीं है, सिर्फ डिस्टेंस का मसला है, तो और कोई ज़रा मीनिंगफुल एक्सचेंज हो कि वो महज ये एक्सपेरिमेंट नहीं है कि कराची और लाहौर के या नापा और अजोका के एक्टर्स मिल के कर रहे हैं, बल्कि उसके पीछे कोई उसकी सोशल या कल्चरल कोई इम्पैक्ट भी हो, स्टोरी ऐसी हो विच रिलेट्स टू स्टूडेंट्स ऑफ कराची एंड लाहौर और रिलेट टू द पोलिटिकल डिफरेंट पोलिटिकल सिनारियोज और कोई और हिस्टोरिकल कोई उसका लिंक हो, तो आई थिंक दिस इज एन आइडिया विच शुड बी एक्सप्लोर्ड।
सर एक और बात बताएं कि कभी जैसे कि हम कोई परफॉर्मेंस लेकर आते हैं तो वहाँ पर किसी और मकसद के लिए किसी और कोई हमें इनवाइट करता है तो क्या हम जो भी टाइम पीरियड आ रहा है उस टाइम पर सर आपके साथ ईमेल पर कोऑर्डिनेशन करके और हम आके आपके पास कोई परफॉर्मेंस आके देते हैं चाहे वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो तो आने जाने का जो अकोमोडेशन है वो जारी बात है सर आपको नहीं देना होगा जैसे हम लाहौर में आ रहे हैं तो सर आपको हमने एक दो हफ्ते पहले या दो तीन हफ्ते पहले इन सर इन्फॉर्म कर दिया कि इस डेट को हमारी में परफॉर्मेंस है तो नेक्स्ट डे सर आपके पास आए और हमें आप ही के जो स्पेस है आपके स्पेस है उस स्पेस हमने आके नॉर्मली परफॉर्म सर कर दिया सिर्फ आपके सिर्फ ऑडियंस नॉर्मली हमें चाहिए होगी तो क्या ऐसा भी सर कुछ मुमकिन हो सकता है हाँ नहीं ऑडियंस तो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपनी जो हमारा रेगुलर नेटवर्क है उनमें पब्लिसाइज कर सकते हैं उनको हम एनकरेज कर सकते हैं जहाँ तक परफॉर्मेंस स्पेस का ताल्लुक है तो रिहर्सल स्पेस और इस तरह की फैसिलिटीज़ तो हम दे सकते हैं लेकिन जो परफॉर्मेंस डिपेंड करता है कि वो जो भी है अलहमरा है या कोई और इंस्टीट्यूशन है उनके पास डेट्स हैं एंड इफ़ दे आर विलिंग टू प्रोवाइड दोज फैसिलिटीज फॉर फ्री क्योंकि जब से ये नई हुकूमत आई है तो थोड़ा सा वो इस बारे में बड़े कंजूस हो गए हैं और इस पर कहते हैं जी कि आप इसका कमर्शियल चार्जेस दें हालांकि हम तो फीस भी नहीं चार्ज करते लेकिन उसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं और एज ए जेस्चर ऑफ गुडविल मसलन आपकी जो कराची के कोई भी इंस्टीट्यूशन है अगर वो भी इसमें इन्वॉल्व हो के लिखे आर्ट्स काउंसिल वालों को या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को कि या कोई और इंस्टीट्यूशन के भी हमारे लोग आ रहे हैं तो आप इनको फैसिलिटेट करें साथ हम उनको सपोर्ट करें तो ये बिल्कुल हो सकता है और बाकी आपको हम ग्रेटर इकबाल पार्क की सैर फ्री करा देंगे जहाँ पर ये सिटीजन्स आर्काइव भी बेस्ड है इसका आपको टूर करा देंगे और दूसरा सर क्या हम कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम कोई भी ऐसा जो लिमिटेड कास्ट के साथ है जिसमें चार लोग हैं पांच लोग हैं इस तरीके से लिमिटेड कास्ट में वो आपके सर रिहर्सल स्पेस में भी हम कर सकते हैं कि अगर वहां से अगर हमें सपोर्ट मिलती है अगर एक लिमिटेड लिमिटेड ऑडियंस के लिए करनी है 50-60 लोगों के लिए तो वो तो हो सकता है लेकिन जो हमारी रिहर्सल स्पेस है उसमें उससे ज्यादा की शायद कैपेसिटी ना हो अगर आपको उसके लिए भी चाहिए हम फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं लेकिन अगर आपने कोई ऐसा एक्सपेरिमेंटल सा प्ले है जिसमें स्टेज की कोई ज़रूरत नहीं है और कोई और इस तरह के लवाजमात नहीं है तो या रीडिंग आप करना चाहें रीडिंग हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं फॉर लिमिटेड ऑडियंस क्योंकि ड्रामेटिक रीडिंग का अपना एक मज़ा होता है उसकी वो हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या छोटी मोटी जो है ये परफॉर्मेंस जैसे आप बता रहे हैं 4-5 लोगों की जिसमें बहुत ज़्यादा लॉजिस्टिक्स ना इन्वॉल्व हो बाकी लाइट और साउंड का तो हम कर ही सकते हैं हाँ सर देखें जिस किस्म की हम परफॉर्मेंस नॉर्मली बनाते हैं हमें पता है कि हमें नॉर्मली स्पेस मिलता नहीं है और कंटेम्प्रेरी थोड़ी सी जो है हमें सेटलमेंट रखनी होती है कि कभी हमने रोड पे खड़े होकर करें जैसे स्ट्रीट थिएटर है कि उधर कॉस्ट्यूम भी हम ऐसा एक स्टैंडर्ड कॉस्ट्यूम रखते हैं जैसे जुलूस में भी है सर एक ही कॉस्ट्यूम ऊपर से हम जो भी चीजें चेंज करने जाते हैं प्रॉप्स को नॉर्मली चेंज कर लेते हैं ना एंट्री है ना एग्जिट है कर सकते हैं ऑर्गेनाइज इफ दैट इज समथिंग व्हिच इज वर्थ आवर व्हाइल एनी एफर्ट तो हम ओपन स्पेस कहीं और ढूंढ सकते हैं जहाँ पर मसलन ओपन स्पेस में मुमकिन है चार्जेस ना इन्वॉल्व हों अलहमरा में ओपन स्पेस भी है अच्छी खासी परफॉर्मेंस स्पेस है ये जो है पंजाबी इंस्टीट्यूट उसमें भी ओपन स्पेस है अगर वो उसके चार्ज ना करें जो नॉर्मली नहीं करते क्योंकि जो इनक्लोज स्पेसेस हैं जो उनके हॉल है वहाँ उन्होंने कुछ वो कमर्शियल थिएटर का हिसाब किताब रखा होता है तो ये हम जब कोई कॉन्क्रीट प्रपोजल आए तो इसके बारे में हम सोच सकते हैं सर जैसे अभी माशाल्लाह ये अजोका अभी लाहौर में जैसे इसका जो बेस है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है तो आपको कभी ऐसा हुआ कि दूसरे शहरों में भी हम इनकी कुछ ब्रांचेस मतलब कुछ रखें सेटअप कुछ इस तरह से हो जाए बेशक छोटी से ही एम्प्लॉयज़ हो ज़्यादा ना हो
اور وہاں وہ اپنے طور پہ آپ سے وہی بات ہے کہ آپ کو غیر لوپ میں لے کر کہ ہم یہاں اتنے اسٹوڈنٹس لے رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں, ایسا کچھ ہے آپ کے مطلب ابھی فار دا فیوچر پلان ایکسپینشن کا؟ اٹس این اٹریکٹیو آئیڈیا, لیکن یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ اگین کوسچن آف ریسورسز اینڈ لاجسٹکس, تو پہلی ریکوائرمنٹ تو اس کی ہے کہ دیر شوڈ بی اے گروپ آف تھیٹر پیپل انٹرسٹیڈ ان ڈیولپنگ سم تھنگ آن دوز لائنس, اور تھوڑی سی ان کی کوئی انسٹیٹیوشنل سپورٹ کہیں سے ملے, کوئی ایسا جیسے کوئی کوئٹہ انسٹیٹیوٹ ہے یا کوئی اور ایسا انسٹیٹیوشن ہے, کوئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے, وہ آپ کو اسپیس دے دیں گے, اچھا چلے آپ نے اگر کوئی ریہرس کرنا ہو یا آپ نے کوئی پرفارم کرنا ہو تو آپ وہاں کر سکتے ہیں. تو یہ اور تھوڑا سا کنسسٹنٹ انٹرسٹ ہو. نارملی یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں انیشیلی اور وہ ایک انیشیٹو لے لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد پھر دے لوز انٹرسٹ یا اور ان کی پریشرز ان پہ ہوتے ہیں. تو اگر اف دیر آر دیر از اے گروپ آف پیپل ہو آر سیریسلی انٹرسٹیڈ ان ڈیولپنگ لائک ایکسٹینشن آف اجوکا, تو وہ بیسک اس کا اگر وہ ڈیولپ نیٹ ورک ایک کر لیں کچھ ایکٹیوسٹ کا اور کچھ سپورٹرز کا یا پیٹرنز کا, تو اس میں پھر ہم آ کے وہاں ورک شاپس بھی کر سکتے ہیں, کورسز بھی کنڈکٹ کر سکتے ہیں, چھوٹی موٹی پرفارمنس بھی کر سکتے ہیں, اور باقی جو وہاں کے لوگ ہیں جو گروپ بنائیں گے ان کو اور بھی کسی قسم کی ایڈوائس ہو. مثلا ہمارا جو آرکائیو بہت ہے ہمارے پاس مٹیریل ریکارڈڈ جو پلیز ہیں ہمارے بھی اور دوسرے پلیز بھی, وہ بھی ہم شیئر کر سکتے ہیں. سو آئی تھنک دس از آلسو اے گڈ آئیڈیا, لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک سیریس لوکل سپورٹ گروپ ہونا چاہیے, بیس ہونا چاہیے. سر جیسے یہ ابھی انہوں نے جو کیپ پہ سیری شو کر دیا, ظاہر ہے آپ آپ سے بات کرا رہے ہیں تو ہم ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں, کیونکہ ان کے یقیناً ریسورسز ایسے ہوں گے, انہیں پتہ ہوگا کہ مطلب نا آگے کس طرح سے اگر یہ اچیو کیا جائے. مگر اس پھر آپ بات وہی کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں, پہلے لائک مائنڈز میٹ کریں کہ بھائی وی ہیو دس انٹینشن اینڈ دین وی کین لائک یو نو دیٹ تھنگ. جی اس میں یہ ہے کہ ایک دو ایسے لوگ ہیں جن کا اجوکا کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے, وہ آج کل کراچی میں بیسڈ ہیں, تو ان کو ہم ان سے بھی آپ ملاقات اف دے آر اویلیبل. سویرا ہیں, سویرا ندیم ہیں, اور اس طرح کے ایک دو لوگ ہیں جو وہاں پر دے ہیپن ٹو بی بیسڈ ان کراچی دیز ڈیز فار دیئر اون لائک جابس اور وٹ ایور, تو وہ تھوڑا سا آپ کو سپورٹ مل سکتی ہے. لیکن اسٹل اے گروپ اینڈ سپورٹ گروپ, سپورٹ گروپ سے مراد ہے کوئی حبیب یونیورسٹی ہے یا آرٹس کاؤنسل ہے یا کوئی این جی او ہے یا کوئی یہ جو فارن کلچرل انسٹیٹیوشنز ہیں. گوئٹ انسٹیٹیوٹ سے ہمارا بڑا پرانا تعلق رہا ہے جب وہ لاہور میں ہوتا تھا, اب تو بند ہو گیا پھر لاہور میں, تو دے مائٹ بی willing to provide some kind of support. تو اگر اس سلسلے میں کوئی آپ لوگ یا آپ کے کوئی جو دوسرے ہیں ایکس ناپا اسٹوڈنٹس کو انٹرسٹیڈ ہوں تو ضرور ہمیں اپروچ کریں. اچھا جیسے سر آپ کا یہاں پر این سی پی ہے, تو ان کی طرف اشارہ کیا تھا ہمارے جو دوست ہیں دا تھرڈ مسکیٹیئر. یہ کہتے ہیں زیادہ سنتے زیادہ ہیں, مگر یہ غلط ہے. سر میں ایکچولی سننے بیٹھا ہوں, لیکن میں رائٹنگ کیریئر کے حوالے سے کچھ جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا ایسی وجہ تھی کہ آپ نے چاہا کہ آپ لکھیں, اور وہ بھی سوشل ایشوز پر, چونکہ ہمارے ہاں معاشرہ ایسا ہے کہ وہ گندگی پھیلانا تو جانتا ہے لیکن اس گندگی کو صاف کرنا یا اس گندگی کے بارے میں جاننا نہیں چاہتا کہ وہ جانے کہ یار یہ اس سے صاف بھی کرنا ہے. جس طرح آپ نے وہ مرا ہوا کتا لکھا, تو سب اس گندگی دیکھ تو رہے ہیں لیکن کوئی چاہ نہیں رہا کہ اسے اٹھائے. تو ایسی کیا وجہ ہوئی کہ آپ وہ لکھنے آئے اور ایسے معاشرے میں جہاں آپ کو نقصان بھی پہنچ سکتا تھا, پھر کیا مشکلات کا سامنا ہوا؟
इसमें मंटो ने इसके बारे में बहुत अच्छा लिखा है, उसका एक मजमून है अपने ही बारे में समझ लें कि एक किस्म का चार्जशीट है, उसमें उस पर चार्ज ये लगाते हैं कि ये ऐसा गवास है, ऐसा गोताखोर है जो गंदगी में से हीरे निकाल के तो निकाल के लाता है, और इसको सफ़ेद कपड़े वालों से चिढ़ है, और ये जो बल्कि इसका दिल करता है कि कहीं कोई सफ़ेद कपड़े वाले नज़र आए तो उसके दामन पे कुछ कीचड़ के धब्बे लगा दे। बिल्कुल। तो ये है कि जो अच्छा लिटरेचर है, जो पावरफुल लिटरेचर है या थिएटर है, वो कमल की तरह मेरे ख्याल ज़्यादा खिलता है गंदगी में, क्योंकि कंट्रास्ट उसमें आता है और उसमें रियलिटी आती है, क्योंकि रियलिटी में तो हमारे कचरा है, गंदगी है, गुर्बत है, इस्तेसाल है, सो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, उसके अंदर से आपने जो इंसानियत की खूबसूरती है वो निकालनी है। तो उसके लिए मेरे तजुर्बे के हिसाब से तो पहली जो उसकी रिक्वायरमेंट है, पहला प्री रिक्विजिट तो है कि आप अपनी सोसाइटी के बारे में कितना कंसर्न्ड है, आप उसको बदलना चाहते हैं कि नहीं बदलना चाहते, एक एक्टिविज्म जो है वो आपके अंदर कितना है। तो मैं तो आई स्टार्टेड ऑफ एज एन एक्टिविस्ट, एज ए स्टूडेंट एक्टिविस्ट और एज ए ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट, एंड देन ग्रेजुअली आई रियलाइज्ड के मैं शायद लिख के या थिएटर के ज़रिए ज़्यादा वही काम जो मैं रेबल राउजिंग के ज़रिए और हल्ले गुल्ले और जलसे जुलूस के ज़रिए करता था, वो शायद मैं इस तरह ज़्यादा बेहतर कर सकूं। क्योंकि अगर आप दिलों को बदलना चाहते हैं, सोच को बदलना चाहते हैं, माइंडसेट को बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आर्ट्स जो है वो दैट इज़ अ वेरी पावरफुल मीडियम। तो फिर वहाँ से मैंने लिखना शुरू किया, फिर वहाँ से थिएटर की तरफ तवज्जो तो हादसाती थी, मैंने कहानी लिखी थी यही मरा हुआ कुत्ता के नाम से, तो वो वहाँ यूनिवर्सिटी के मैगज़ीन में छपी तो हमारे एक दोस्त की नज़र उस पर पड़ी, हमारा स्टूडेंट ही था पंजाब उर्दू के बहुत बड़े शायर हैं नून मीम राशिद, उनका बेटा था शहरयार राशिद, तो उसने कहा कि यार एक ड्रामा लिख दो। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, मैंने तो कभी ड्रामा नहीं लिखा। कहते हैं ये जो कनेड कॉलेज में एक फेस्टिवल हो रहा है, जो नजमुद्दीन ड्रामा फेस्टिवल वहाँ होता था कनेड कॉलेज में, और कनेड कॉलेज बिल्कुल एक ज़मीन पे जो जन्नत की एक जो फैंटेसी थी वो लोगों के लिए, लड़कों के लिए होता था कि पता नहीं इसके अंदर कौन परियां रहती हैं कोकाफ की, और इतनी ज़्यादा पाबंदी थी कि सिर्फ जिक्र सुनते थे लोग कहानियों में लेकिन किसी ने अंदर की झलक नहीं देखी। तो उसने कहा भी दैट इज़ द ओनली वे टू गेट इन टू द कनेड कॉलेज कि तुम प्ले लिखो, हम प्ले करें और फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते हैं। तो फिर मैंने कहा कि ये तो बहुत नेक इरादा है, यानी दिस इज़ अ वेरी नोबल इंटेंशन टू राइट ए प्ले। तो मैंने फिर वो शॉर्ट स्टोरी को कन्वर्ट किया इनटू अ प्ले, और फिर वो हम गए और वी वन द अवार्ड आल्सो, और वहीं पर फिर एक परी जो है उसने वो प्ले देखा जो बाद में फिर मेरी बेगम भी बनी। तो दिस इज़ हाउ आई गॉट इन्वॉल्व, लेकिन देन आई रियलाइज के ये जो चीज़ आप प्रिंटेड वर्ड में आती है तो वो कितना भी पावरफुल हो स्टिल वो बेजान लफ्ज़ हैं, छपे हुए लफ्ज़ हैं, वो मूव नहीं कर रहे। तो कोई किताब खोलेगा और उसको पढ़ेगा, उसको समझेगा, इबलाग होगा ज़ुबान से और फिर वो कहानी आगे चलेगी। लेकिन थिएटर ऐसी चीज़ है वो आपको किसी तरह भी पकड़ सकता है, वो अपने म्यूज़िक के ज़रिए पकड़ सकता है, अपनी अदाकारी के ज़रिए पकड़ सकता है, अपनी खूबसूरत लाइटिंग के ज़रिए पकड़ सकता है, और फिर आप जब एक दफ़ा ऑडियंस को ग्रिफ्ट में ले आएँ तो फिर आप उनके दिलों तक पहुँच सकते हैं। तो देन व्हेन आई सॉ द शॉर्ट स्टोरी बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ पीस ऑफ थिएटर तो आई रियलाइज्ड के ये इसमें कितनी गुंजाइश है। लेकिन उसके बाद फिर एक बहुत बड़ा जो एक और इसका यानी लाजमी रिक्वायरमेंट है वो है टू हैव द अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म।
اس کے لیے جب تک آپ کے پاس کوئی اس پلے کو پرفارم کرنے کی کوئی پاسبلٹی نہ ہو تو وہ پھر پلے وہ بھی پڑا رہتا ہے. تو اس زمانے میں تھیٹر گروپس کوئی تھے نہیں, اور جو یہ آرٹس کاؤنسلز ہیں وہ ٹوٹلی ڈکٹیٹرشپ کے کنٹرول میں تھیں. تو یہ پھر یہ ہوا کہ میں نے ایک پلے کیا, اس کی چلے ہلکا ارباب ذوق میں اس کی ریڈنگ کر دی یا کہیں اور اس کو واہ واہ دوستوں کو سنا کے کر لی, پھر دوسرا لکھا. اس کے بعد پھر اسٹاپڈ رائٹنگ, کیونکہ وہ موٹیویشن نہیں تھی. جب تک پلے تو آدھا ہوتا ہے جب لکھا جاتا ہے, باقی آدھا تو جب پرفارم کیا جاتا ہے پھر وہ مکمل ہوتا ہے. پھر بہت سالوں بعد جب یہ مدیحہ مجھے ملی, میں تب تک لندن پہنچ چکا تھا, تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ نے وہ پلے لکھا تھا, دیکھا تھا میں نے, وہ آج تک مجھے یاد ہے, مرا ہوا کتا, تو پھر آپ نے کیوں نہیں لکھا؟ تو میں نے کہا کہ کوئی کرے تو پھر میں آگے لکھوں. اس نے کہا ہم نے گروپ بنایا ہے اجوکا, تو آپ لکھیں. پھر میں نے وہاں سے وہ پلے لکھنا شروع کیے, اور بری پہلا پلے تھا جو میں نے لندن سے پھر بھیجا, اور انہوں نے پھر لاہور میں پرفارم کیا. سو پہلی بات ہے کہ سوشل کمٹمنٹ آپ کی ہو, دوسری بات ہے کچھ ٹیلنٹ ہو آپ میں, یعنی پینٹر والا ٹیلنٹ نہیں بلکہ ایک رائٹر والا یا ایک تھیٹر پریکٹیشنر والا ٹیلنٹ, اور تیسرا ہے کہ کوئی پلیٹ فارم ہو, ایدر اے تھیٹر گروپ اور این انسٹیٹیوشن اور واٹ ایور. تو یہ تین چیزیں جب ملتی ہیں تو پھر جس طرح کا تھیٹر ہم کرتے ہیں وہ پھر پیدا ہوتا ہے, ورنہ آپ ویسے ہلا گلے والا پلیز ہے تو ہیو گریٹ فن, آپ اسٹوڈنٹس مل کے کرتے ہیں, اور اس میں کوئی خاص میننگ از ناٹ امپورٹنٹ فار دیم, فن از امپورٹنٹ, تو وہ کرتے ہیں, دے ہیو گریٹ فن. جو سننے والے ہوتے ہیں وہ بھی بہت انجوائے کرتے ہیں, باہر جا کے وہ پھر اپنے اور دلچسپیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں. وہ چیز ایک لاسٹنگ امپیکٹ جو لوگوں کے ذہنوں میں بیج ایک تبدیلی کا, نئی سوچ کا ڈالتا ہے, وہ تھیٹر نہیں ہوتا. جس طرح کا تھیٹر ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ایسا ہے کہ چاہے امیجیٹلی اس کا کوئی امپیکٹ نہ بھی ہو, آپ کو لگے کہ بھی ہاں دے ہیڈ گریٹ فن اینڈ دین دے وینٹ ہوم, لیکن وہ جراثیم, اس کے جو جرمز ہیں, وہ بیج, وہ آپ نے بو دیے ہوتے ہیں. چنانچہ کئی دفعہ ایسے ہوا کہ 10 سال بعد 15 سال بعد ہمیں کوئی ملتا ہے, سم پرسن ہو ہیڈ سین دیٹ پلے, پرٹیکولر پلے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی دیٹ پلے چینج مائی لائف, اینڈ اٹس کوائٹ سرپرائزنگ فار اس کہ ہاؤ اٹ چینج مائی لائف دیئر لائف. یہ ایک لڑکی مجھے ابھی, اب تو وہ لڑکی نہیں تھی, اس زمانے میں ایز اے ینگ گرل اس نے دیکھا, اس نے کہا آئی واز ایٹ اے اسٹیج ان مائی لائف ویئر آئی ہیڈ ٹو ٹیک سم کروشل ڈیسیجن, اور اس پلے میں میں نے جو پروٹیگنسٹ تھا اس کو دیکھا, وہ شاید یہ تھا پلے ایک تھی نانی, جس میں ایک ینگ گرل وانٹس ٹو اڈاپٹ ایکٹنگ ایز اے پروفیشن, اور اس کی نانی جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرتی ہے جو انڈیا سے آئی ہوئی ہے, اور دادی جو ہے اس کو نہیں سپورٹ کرتی, اس طرح کی کہانی. تو اس نے کہا وہ دیکھا تو سڈنلی مطلب میں آئی واز سر آف ناٹ شیور وچ وے ٹو گو, اینڈ دیٹ پلے کائنڈ آف پش دا بیلنس ٹلٹڈ اٹ ان فیور آف ڈیسیجن, اور میں نے وہ ڈیسیجن لے لیا, اور اب میں آئی ایم مائی اون ماسٹر, اور میں یہاں پڑھ چکی ہوں, اور پتہ نہیں کہیں پڑھا رہی ہوں نیو یارک میں کسی جگہ پہ. تو اس طرح سے بعض دفعہ وہ ایک ڈیلیڈ ریئیکشن ہوتا ہے, لیکن وہ جو آپ نے اس کے بیج بویا ہوتا ہے وہ کبھی نہ کبھی نکلتا ہے, اگر آپ نے صحیح معنوں میں آپ نے کسی کے دل کو ٹچ کیا ہے, جو ان نیٹ ہیومینٹی ہے کسی کے دل کے اندر, جو کہ ہمیشہ ہوتی ہے کہیں نہ کہیں. تو شیطان کا بھی میرے خیال میں دل مکمل سیاہ نہیں ہوتا, تو وہ آپ اگر اس کو کس طرح ٹچ کر لیں, کلچرلی ٹچ کر لیں, میوزیکلی ٹچ کر لیں, ہیومر وائز ٹچ کر لیں, تو پھر آپ نے اپنا کام کر دیا ہے. پھر آگے وہ کہتے ہیں نا کہ مالی دا کام پانی لانا لاوے یا نہ لائے, مالک دا کام پھل پھول لانا, تو وہ پھر آگے پھر مالک پہ چھوڑ دیں. سر آپ سے ایک پرسنل سوال کر لوں؟ سر
जी बिल्कुल, तो ये भी तो कोई इम्पर्सनल सवाल तो नहीं थे। बहुत अच्छा सर, मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ अजोका को जी, और मैंने सोचा था ये मैं सवाल करूँगा आपसे। मैम के इंतकाल के बाद आपके पास सारी बात है कि घर में तो उन्होंने, उनके मैंने बहुत काम देखा भी है यहाँ पर, वो कराची में आए भी हैं, तो अब जिम्मेदारी आपके पास सारी बातें घर के हवाले से भी और प्रोफेशनली भी ज़्यादा आ गई हैं, क्योंकि पहले राइटिंग करते तो डायरेक्शन वो देती थी, तो एक तो एक खला भी ज़्यादा तो पूर्ण नहीं किया जा सकता, तो जिम्मेदारियाँ भी प्रोफेशनली हैं, तो अब आपको उनके बगैर सारी बातें बड़े चैलेंजेस होते होंगे, याद भी आती, क्योंकि हर चीज़ में आपके साथ ही हूँ, प्रोफेशनल वर्क में साथ ही, एक्टिविज्म में साथ ही, हर तरीके से, तो अब आपकी क्या मोटिवेशन होती है इन चीज़ों को लेकर के, क्या करना है, क्योंकि जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ गई हैं आपका। नहीं, चैलेंज तो जाहिर है, और जिसको कहते हैं कि खला तो पूरा नहीं होता, स्पेशली समवन लाइक हर, क्योंकि वो शी वाज काइंड ऑफ लार्जर देन लाइफ, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि बड़ी वो फोर्सफुल पर्सनैलिटी थी, और चाहे वो घर हो, चाहे अजोका हो, चाहे उनके दोस्तों का हल्का हो, हर प्रेजेंस वाज ऑलवेज फेल्ट बाय एवरीवन, हर द वे शी एक्सप्रेस्ड हर व्यूज बोल्डली विदाउट मिंसिंग वर्ड्स, और फिर थिएटर में भी जो जिस तरह के इश्यूज हमने उठाए, और उसमें से काफ़ी हद तक उनका एक होती थी इंसिस्टेंस होती थी, एक तो थीम वाइज सडनली शी वुड डिस्कवर समथिंग कहेगी कि ये इस पर तो बड़ा अच्छा प्ले बनता है, एक दो लाइनों की खबर देखी अखबार में कि एक उमरकोट में एक किसान ने, जिसके पास दो बीवियां थी और उसका बैल मर गया, तो एक माशकी जिसकी पास दो बैल थे और एक बीवी थी, उसकी बीवी मर गई, उन्होंने आपस में स्वाप कर लिया, और जिसके पास एक फालतू बैल था उसने दूसरे को दे दिया, और जो फालतू बीवी थी उससे ले ली, ये दो तीन लाइनों की खबर थी, एंड सडनली शी सेड कि ये तो इस पे तो प्ले की गुंजाइश है, और फिर उसके ऊपर पूरा हमने वन ऑफ आर बेस्ट रिसीव प्लेज किया, काला मेडा बेस, तो इस तरह से वो, फिर ये है कि शी वुड ऑलवेज पुश मी के 6 महीने हो गए अभी तक नया प्ले नहीं लिखा, तो मतलब अब मैं कहीं भाग भी नहीं सकता था क्योंकि उसी घर में रहते थे, सो अब मेरा हालांकि जॉब ऐसा था कि वो भी बड़ा टाइम कंज्यूमिंग था पीटीवी में, लेकिन बिकॉज ऑफ हर इंसिस्टेंस एंड हर दिस डिटर्मिनेशन के अजोका हैज़ टू कम अप विद अ न्यू प्ले, तो वो लिखता गया और अब ये एक स्टेज आ गई है कि मेरे ख्याल 50-55 प्लेज हो गए हैं, और मेरा ख्याल है कि सारे बाकी ओरिजिनल प्लेज मिला लें जो हमारे यहाँ लिखे गए हैं, उससे ज़्यादा ये प्लेज होंगे, और ये दे आर ऑल मेंट फॉर थिएटर, दे हैव दिस प्लेज हैव बीन रिटन फॉर थिएटर कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सोशली मीनिंगफुल थिएटर, तो वो तो फिर ये थी कि शी वॉज टोटली डिवोटेड टू थिएटर, और 24 घंटे की आप कह लें कि टोटल इन्वॉल्वमेंट, टोटली इमर्स्ड इन टू थिएटर, और घर भी हमारा साथ था, तो वो घर और दफ्तर की जो है रुकावट भी नहीं थी, शी वॉज ऑलवेज अवेलेबल, तो वो चीज़ तो अब नहीं है, और जाहिर है कि आई हैव टू अर्न ए लिविंग टू सपोर्ट नॉट ओनली द फैमिली बट किसी हद तक अजोका को, तो वो एक, दिस इज़ वाई आई टुक अप दिस जॉब आफ्टर रिटायरमेंट विद इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चर, एक लिबरल आर्ट्स की यूनिवर्सिटी नई खुली है यहाँ, वहाँ फिल्म एंड टेलीविज़न का मैं उसका एक प्रोग्राम को हेड कर रहा हूँ, तो वो भी जिम्मेदारी है, फिर अजोका की एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं, फिर उसके प्रोग्राम इश्यूज़ हैं, एंड देन ऑफ कोर्स राइटिंग एंड मे बी डायरेक्टिंग आल्सो, और घर का जो है वो अलग है, सो द चैलेंजेस आर ह्यूज, और आई एम नॉट दैट यंग एनी मोर, लेकिन अभी तक तो
वो मदीहा का जो एक मोमेंटम था वो उस पर वो गाड़ी चल रही है और अभी उसमें वी आर मैनेजिंग. और फिर यह कि माई सन निर्वाण इज़ गिविंग ए हेल्पिंग हैंड. ये जो अजोका इंस्टीट्यूट है क्लासेस वगैरह का ज़्यादा वही लुक आफ्टर कर रहा है. लेकिन चैलेंजेस ऑफ कोर्स आर ह्यूज. दूध को सर क्या कहना चाहेंगे कि हम जो है आपकी तरफ से कुछ ऐसी गाइडेंस कोई ऐसी बात जरूरत है. आपका एक बहुत वसी तजुर्बा है, कुछ की पॉइंटर्स होते हैं जो हर इंसान का अपना तजुर्बा होता है उसको लेकर उसकी नज़र में प्रायोरिटी ये है. हमारी नज़र में हो सकता है सर कुछ और हो मगर आगे जाके चेंज हो सकती है, प्रायोरिटीज चेंज हो सकती हैं. आपने क्या देखा सर, इतना तजुर्बा आपका रहा कि हम अगर इस चीज़ को थोड़ा सा बेहतर कर लें थिएटर के हवाले से, तमाम डायरेक्शन हो गई, एक्टिंग हो गई, स्क्रिप्ट राइटिंग हो गई, ताकि आप इस पर जो है वो अपना माइलस्टोन अचीव कर सकते हैं, आपका नाम बन सकता है. देखिए जी, उसमें पहली बात तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि एक आपका सोशल कॉन्शियस होना चाहिए, वो बड़ा ज़रूरी है. आपको अपनी सोसाइटी के साथ लिंक आपका होना चाहिए और आपकी नज़र होनी चाहिए आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन ज़िम्मेदार है. और दूसरी बात जो बहुत ज़रूरी है वो है कि यू शुड नॉट बी ए पेसिमिस्ट. ये जो कनूतियत है, मायूसी या सियत पसंदी, ये आपकी किसी भी ज़िंदगी के शोबे में होंगे तो आपके लिए वो मसाइल क्रिएट करेगी. सो आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए और हर चीज़ में चाहे वो बदतरीन सूरत हाल हो उसमें भी कोई ना कोई पॉजिटिविटी होती है. इंसानों में है तो इंसानों में जहाँ जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि अगर उसमें गंदगी है, उसमें नफ़रत है, उसमें एक वैल्यूलेसनेस है, तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं इंसानियत की रमक नज़र आएगी. जैसे अब ये मंटो की बात हो रही थी तो उनका ठंडा गोश्त अगर आपने पढ़ा हो तो वो उसमें ढूंढना पड़ता है कि वो जो ईश्वर सिंह है कैरेक्टर, जो इतना खौफनाक भयानक कैरेक्टर है, जालिम कैरेक्टर है और इंसानियत दुश्मन कैरेक्टर है और उजड है, गंवार है, नेम इट, नेम एनी सॉर्ट ऑफ बैड क्वालिटी एंड ही हैज़ इट. लेकिन जब वो एक मुर्दा लड़की को रेप करने की कोशिश करता है तो उसके अंदर भी कहीं उसका सोया हुआ ज़मीर, ये चाहे वो कितना भी छोटा ज़मीर हो ना, उसको कोई कुचोका लगता है और वो उसके अंदर वो कैफियत पैदा करता है जो एक आप कह लें साइकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की. तो दिस इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ द स्टोरी ठंडा गोश्त की. तो अगर वो इस तरह का शैतान सिफत शख्स जो है उसके अंदर, ये मंटो ने इस तरह डिफेंड भी किया अपने आप को कोर्ट में, उसने कहा कि दिस इज़ द बेसिक आइडिया. आप उसमें देखते हैं फहाशी देखते हैं, आप उसमें अल्फाज देखते हैं कि जी गाली दे दी, अफसाने के अंदर गाली की क्या गुंजाइश है, लेकिन ये उन्होंने इस तरह से जस्टिफाई किया था. तो मैं समझता हूँ कि अब हमारे भी अभी तो सूरत हाल मुख्तलिफ है, लेकिन अभी 15-20 पहले साल पहले तक इधर पंजाब में और कराची में तो पिछले 40-50 साल से इतनी एक मायूस कुन सूरत हाल रही है, इतना उसमें वहाँ क्राइम और पॉलिटिकल वायलेंस और एक्सप्लॉयटेशन इन द नेम ऑफ रिलीजन और इन द नेम ऑफ एथनिसिटी और इन द नेम ऑफ पेट्रियटिज़म. तो आपको सोचना पड़ता था कि इसमें एक अच्छाई की रमक कहाँ है, लाइट एट द एंड ऑफ टनल कहाँ है. लेकिन आई एम श्योर अगर आपका रवैया पॉजिटिव है तो यू विल फाइंड दैट इननेट ह्यूमैनिटी. और वो ना भी हो तो आप तो हैं, तो अगर आपने अपना रोल प्ले कर दिया है, अगर इट इज़ गुड फॉर यू टू बी एन ऑप्टिमिस्ट कि आपकी साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए ज़रूरी है कि आप ज़िंदगी के बारे में आपका मस्बत रवैया हो कि ये ज़िंदगी के पीछे कोई मकसद है, इंसान अगर यहाँ आया है तो उसने कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना है अपनी सोसाइटी के लिए, जो भी उसके पास टैलेंट है, अगर वो फनकार है या बिजनेसमैन है या वट एवर. तो मैं समझता हूँ कि ये
रवैया जो है ना ये आपको आगे चलाएगा, और उसके बाद फिर डिस्कवर योर टैलेंट, अगर आपका थिएटर से रिलेटेड या आर्ट से रिलेटेड टैलेंट है वो आप ग्रेजुअली डिस्कवर करेंगे। अगर आप बहुत माइकल एंजलो नहीं बनेंगे तो छोटे मोटे कोई फनकार तो आप बन ही सकते हैं विद गुड इंटेंशन एंड विद हार्ड वर्क, और हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितना भी आपके अंदर टैलेंट हो अगर हार्ड वर्क नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो वो आपका टैलेंट आहिस्ता आहिस्ता वो ज़ाया होता जाता है और उस पर जंग लगता जाता है और फिर वो बेकार हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी सोसाइटी को अप्रोच करें और बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ एंड बी प्राउड ऑफ बीइंग ए ह्यूमन बीइंग और द पॉजिटिव क्वालिटी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, और लोगों के अंदर भी आप ये यकीन रखें कि उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक है अच्छाई, और उसको बस आपने अप्रोच करना है। हमारे प्लेस में बाज़ दफ़ा अगर आप देखते हैं वो स्टीरियोटाइप से, अब हमारा एक प्ले था बुर्का वगैंजा जिसमें सारे जो एक्टर्स हैं मेल फीमेल उन्होंने बुर्का पहना हुआ है, और उसका एक पॉलिटिकल मेटाफोरिकल मीनिंग भी थे और एक हमारे जो सोसाइटी का एक्सट्रीमिज्म है उसके बारे में भी कमेंट था। तो उसमें हमने देखा तो आ रहे हैं ये बुर्का पहने हुए ख्वातीन का एक ग्रुप आ गया, तो हमारे कुछ लोगों ने कहा लो जी ये तो अब शोर मचाएंगी या ऑफेंड हो जाएंगी कि इनके बुरके का मजाक उड़ाया गया। लेकिन हमने देखा कि नॉट ओनली दे एंजॉयड द प्ले बट दे अप्रिशिएटेड इट एंड दे अंडरस्टूड द मीनिंग। तो बाज़ दफ़ा वो बुरके के नीचे जो है वो उसका एक गाना भी है कि बुरके के नीचे क्या है, उस प्ले का गाना है। तो बुरके के नीचे आपको नहीं पता क्या होगा, आप बुरके से जज ना करें। इसी तरह से बुल्ला प्ले का आप जिक्र कर रहे थे, उसमें अब इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंटी क्लर्जी मैसेज मौलवियों के और मुफ्तियों के खिलाफ, बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म का मैसेज है बुल्ले शाह का। तो उसमें हम देखते थे बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले पगड़ियों वाले लोग आ रहे हैं, तो हम सोचते थे मारे गए। आज तो ये बुल्ले शाह के उसमें शेर भी ऐसे हैं जो काफ़ी ऑफेंसिव हैं कि आज ये कुछ यहाँ पर तमाशा होगा। और फिर हम देखते थे कि ना सिर्फ ये कि वो अप्रिशिएट कर रहे थे बल्कि झूम भी रहे थे, और बाद में हमने पूछा उनसे और वो पूरा उसकी जो उसका वो रूहानी साइड जो था उसको वो एक पूरा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में सूफीज़म के पर्सपेक्टिव में देख रहे थे। हम नई नस्ल तो उसको आज के मैसेज के लिए प्ले के लिए देखती है, वो उसे एक और हवाले से देख रहे थे। लेकिन दे इनफैक्ट वर मोर इनटू बुल्ले शाह देन एनी ऑफ अस। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि स्टीरियोटाइप्स जो है ना उस पर नहीं जाना चाहिए, और किसी को राइट ऑफ नहीं करना चाहिए कि बस इसका तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल क्लोज माइंड है। अगर क्लोज माइंड है तो क्लोज हार्ट नहीं होता, आप माइंड को बाईपास कर दें, आप उसको म्यूज़िक के ज़रिए टच करें, उसको खूबसूरत लाइटिंग के ज़रिए टच करें, ह्यूमर के ज़रिए टच करें, जिसमें माइंड का कोई रोल नहीं होता। अगर माइंड में उसके है भी बहुत ज़्यादा एक क्लोज माइंड है और रिजिडिटी है, तो दिल तक आप पहुंचने के और रास्ते भी हैं, और अगर आप उन तक पहुंच गए हैं तो फिर वो रास्ते खुल भी सकते हैं। जी तो चले जी, थैंक यू सर। आपको ऐसा लगता है जाने का टाइम हो गया, टाइमिंग सर आपकी 2 बजे की थी टाइमिंग, तो इतनी हमारी डिस्कशन हो गई, तो सर नेक्स्ट टाइम कभी कोई सेटलमेंट बनती है इंसान बात आप जरूर स्टे इन टच विद अस। हमारा वेबसाइट और जो फेसबुक है वो तो आपको मिल ही जाएगा, तो आप मेरा भी नंबर लिख लें अगर कोई आपको ज़रूरत हो किसी किस्म की। सर आप बता दें वो 0300 8455 444 8455 444 0300। तो सर मैं भी एक काम कर रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह आपके पास लेकर आऊँगा, मगर तो 2-3 महीने लगेंगे। अच्छा। वो
हाँ थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल काम है. मैं कर रहा हूँ इस टाइप एक ड्रामा, वो है सर जॉन एलिया के हवाले से. अच्छा अच्छा हाँ. उसका मैंने वन लाइनर सर बना लिया है, कर ली है. उस पर मैं इंशाल्लाह सर आपसे मैं कभी मैसेज करूंगा सर अपने नाम से आपको, और ये मैं याद दिला दूंगा आज का. और मैं कभी मैं सर आपसे मुझे 10 मिनट आपके कॉल पे चाहिए होंगे. चले ठीक है. तभी तो मैं आपको सर ये बताऊंगा मैंने जो सोचा है, एक्चुअल मैंने ये सोचा है. आपको सर क्या लगता है कि आपका ऐसा इनपुट क्या है कि जिसमें कोई भी ऐसी चीज है, अच्छा इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड से रिलेटेड चीज है. वन लाइनर जो है दो एक्टर्स हैं सर, और जॉन एलिया को डिपिक्ट कर रहा हूँ. एक्चुअल में जॉन एलिया खुद नहीं है, खुद जॉन एलिया नहीं है, दो लोग हैं. तो मैं कुछ सवाल है, कुछ चीजें सर आपको मैं बताऊंगा, तो सर आप फिर बताइएगा कि आपका इनपुट क्या है, ताकि उसका मैं ख्याल रखूंगा. और कभी हम लाहौर में आए तो मैं आपसे टाइम लेके इंशाल्लाह हो सका तो वो परफॉर्म भी करेंगे आपके पास इंशाल्लाह. बस ये है कि उसमें आप इब्लाग का ख्याल रखें कि आपकी जो ऑडियंस है उस तक पहुँच सकें वो, क्योंकि एक शायर और इस तरह की एक शख्सियत जो है वो बाज़ दफ़ा फिर आप उसके शहर में गुम हो जाते हैं तो वो ऑडियंस को भूल जाते हैं. तो ऑडियंस तक पहुंचाना है आपने जो भी जॉन एलिया की शख्सियत थी या उनकी पोइट्री थी, और पोइट्री में भी आपको काफ़ी उसमें मिलेगा. और उनकी जो शख्सियत का जो ज़ाहरी पहलू है वो तो थोड़ा सा हमारी रिवायत मौजूद है फ़कीरों की दरवेशों की, तो ज़रा उसके उससे कोई फ़र्क अंदर से कोई निकलती है. और शख्सियत उनके किस्से तो बहुत सुने हैं हमने उनके वाक़यात, तो ऐसे एनेक्टोट्स जमा करें जिससे वो जोड़ें तो एक और एलिया निकले उसमें से. थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर. ओके, प्लेजर, ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर, इंशाल्लाह फिर स्टे इन टच. ठीक है, थैंक यू सर.